Bell Cut. हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सस्ते और बेहतरीन फूड्स जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, जिनको खाने से आप बहुत ही जल्दी और इजीली अपना मसल मास गेन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फूड नंबर 1, ब्लैक चना। फ्रेंड्स, आपको 100 ग्राम ब्लैक चने में 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, इसलिए आपको अपनी डेली डाइट में ब्लैक चना जरूर ऐड करना चाहिए। आप रात के समय ब्लैक चने को किसी बर्तन में पानी में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उठकर इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फूड नंबर 2, फ्रेंड्स, मूंग की दाल में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप रात को मूंग की दाल को पानी में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उठकर इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसे बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट में मूंग की दाल ज़रूर ऐड करें। फूड नंबर 3, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध से बनी चीज़ें। फ्रेंड्स, दूध में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल खाए जाने वाले वे प्रोटीन के सप्लीमेंट भी दूध से ही बनते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट में दूध को ज़रूर ऐड करें, जिससे कि आपकी डेली डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। फ्रेंड्स, 4th फूड है एग, यानी कि अंडे। एक अंडे में आपको 4 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एग्स हर जगह पर अवेलेबल होते हैं और यह बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। आपको अपने डाइट में एग्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अंडा उबाल कर खाना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, आपको एग का सिर्फ वाइट पार्ट ही खाना चाहिए अगर आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, क्योंकि इसके वाइट पार्ट में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फूड नंबर 5, सोया पनीर, जो कि सोयाबीन से ही बनता है। फ्रेंड्स, इसे हम टोफू भी कहते हैं। फ्रेंड्स, 100 ग्राम सोया पनीर में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आपको अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने डाइट में सोया पनीर जरूर ऐड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए सभी फूड्स बहुत ही सस्ते और इजीली अवेलेबल फूड्स हैं, इसलिए आपको अपने डाइट में इन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।